लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर लेंस की फोकल लेंथ निकाली जाती है। कैसे? अगर आप किसी भी कन्वेक्स लेंस को देखें, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि रेज आ रही हैं सीधी, और ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, रेज जो है सीधी आ रही हैं, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल और बाहर निकलते हुए अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसे नीचवली रे टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, उस चक्कर में यहाँ मिल जाती हैं। अब समझ में आया कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग के होता है, क्योंकि रेज आ रही हैं और देखो क्या हो रही हैं, कन्वर्ज। हमें ये याद करवाया जाता है 9th-10th में, ये कन्वर्ज करता है, ऐसे होता है। वो कैसे बताएगा टीचर क्यों कन्वर्ज करता है? क्योंकि दो बार क्या हो रही होती है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से वो कन्वर्ज करता है। क्लियर है? ऐसे डाइवर्जिंग डाइवर्ज क्यों करता है? रेज आई, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, रेयर टू डेंसर, और डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये रहा। तो ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कन्वर्ज कर रहा है और डाइवर्ज क्यों कर रहा है? बिकॉज दो सर्फेस पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन। ठीक है यहां तक? तो हम क्या करेंगे, पहले कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कन्वेक्स लेंस के लिए अगर बनाना है, तो आपने इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना है। इस डायग्राम को बनाना ही पड़ेगा आपको, तो पहले एक बार मैं बनाऊंगा, फिर आप एक बार प्रैक्टिस करना। तो क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आप लें एक कन्वेक्स लेंस। कौन सा कन्वेक्स लेंस? डबल कन्वेक्स लेंस, डबल पाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स लेंस ले लिया। सपोज करो एक मिनट के लिए, इसमें कन्वेक्स लेंस के अंदर आपके पास सिर्फ एक सरफेस है रिफ्रैक्टिंग। अभी लेंस नहीं बनाया मैंने, अभी मैंने सिर्फ एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। रे कहां से निकलेगी? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी, ऐसी इमेज बनाते थे, और एक रे इसको हिट करेगी, ऐसी बनेगा यहां तक, एक सीधी जाएगी एक हिट करेगी। अब इस सरफेस का जो नॉर्मल बनेगा, इसका नॉर्मल, इसका सेंटर कहीं यहां कहीं होगा, बना लें इसका सेंटर यहां कहीं, तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से। ठीक है, तो नॉर्मल कहां से पास कर गया, सेंटर से। तो एक बात बताओ, रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो टूवर्ड्स नॉर्मल में वो ये पाथ फॉलो करेगी, और ये पाथ फॉलो करते 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 इमेज कहां बनेगी, आई वन पे बनेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ये रे यहां आई और क्या हुआ, और ये रे यहां पर चली गई। कोई डाउट? बन गई इमेज इज आई वन, लेकिन एक्चुअल में कोई लेंस थोड़ी ना है, ये तो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अगर मैं कहूं कि यहां पर लेंस लो, लेंस के लिए आपको एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेनी पड़ेगी। अब जैसे ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस आई, तो आपको यह पता है क्या कि रे ऑफ लाइट यहां से यहां आई थी ना, रे ऑफ लाइट यहां से यहां आई और फिर यहां गई, ये डायग्राम बन रहा था। तो जब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं थी, तो रे कहां मिल रही थी, आई वन पे। जैसे ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस आई, इसका जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास करेगा, वो कहीं यहां कहीं नॉर्मल होगा, ऑब्वियसली इसका नॉर्मल यहां है। तो रे ऑफ लाइट जैसे डेंसर से रेयरर आएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, से दूर हो गई। तो फाइनल इमेज कहां पर आ गई, यहां पे आ गई। क्या ये स्टेप क्लियर है? जब आपकी पहली सरफेस थी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आपकी पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक रे सीधी गई, एक रे यहां पर गई, यहां मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया और इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये मेरी इमेज बन गई। ये तो क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैंने एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस रखी, इसने यहां पर और बेंडिंग कर दी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल इमेज कहां पर बन गई, आई पे बन गई। रूल नंबर वन, इस सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई वन इमेज है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। ठीक, तो इस सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई वन इमेज है। इस सरफेस ने क्या किया, आई वन को शिफ्ट करके आई पे बना दिया। तो इस सरफेस के लिए आई वन वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस सरफेस ने इमेज को ही क्या माना, ऑब्जेक्ट, और शिफ्ट करके किस पे बना दिया, आई पे। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक? फिर से,
पहली सरफेस में अगर सेकंड सरफेस ना हो तो पहली सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और इमेज कहां पर बनाई थी इसने, आई वन पे, तो आई वन इमेज है। दूसरी सरफेस ने आई वन से हटा के इमेज कहां पर बना दी, आई पे, क्योंकि आई वन पे अच्छी बड़ी बनी पड़ी थी। सेकंड सरफेस ने और रिफ्लेक्शन शो कर दी और लाइट को और बेंड करके यहां बना दिया, तो यानी कि इसकी जगह यहां इमेज शिफ्ट हो गई। तो सेकंड सरफेस के लिए ये क्या बन गया इसका ऑब्जेक्ट और ये क्या बन गई इसकी इमेज। क्लियर है यहां तक? तो मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर इस डायग्राम के साथ, पहली सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई वन इमेज है। सेकंड सरफेस ने इसकी और रिफ्रैक्शन कर दी तो सेकंड सरफेस के लिए आई वन ऑब्जेक्ट है और आई इमेज है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? दो मिनट लो, ये डायग्राम बनाओ रफ कॉपी में, बना के देखो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? बन जाएगा डायग्राम। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो लेंस मेकर बनाने के लिए ध्यान आगे, ये पहली सरफेस है एक्स पी वन और वाई, एक्स पी वन वाई। पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ओ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, यू, और इमेज कौन है, आई वन, तो इमेज का डिस्टेंस क्या है, वी वन, तो यू और वी वन, और सरफेस जो है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, मान लो आर वन। ये जरूरी नहीं है कि दोनों का रेडियस बराबर हो, एक छोटा और बड़ा भी हो सकता है। तो इसका रेडियस आर वन है, इसका रेडियस सपोज आर टू है तो आर वन। तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है, रेयरर से डेंसर। तो रेयरर से डेंसर के अंदर आप सीधा फॉर्मूला लगा दें, हमने किया था रेयरर से डेंसर, तो ये फॉर्मूला था जिसमें ऑब्जेक्ट की जगह यू, इमेज की जगह वी वन और रेडियस की जगह आर वन, डन। इक्वेशन नंबर वन। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सेकंड सरफेस लेनी है एक्स पी टू वाई, ये रहा। सेकंड सरफेस के लिए आई वन क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, वी वन, और आई क्या होगी, इमेज, इमेज की दूरी कितनी है, वी, तो और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर में ऑब्जेक्ट की जगह वी वन, इमेज की जगह वी, रेडियस की जगह आर टू। मतलब हम यहां पर स्नेल लॉ नहीं लगाएंगे, फिर तो पागल ही हो जाएंगे दो सरफेस में लगा लगा के स्नेल लॉ, डायग्राम बड़ा खतरनाक बनेगा। तो हमने रिजल्ट को यूज कर दिया क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को तो यूज किया ही हुआ है, तो हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पहले का रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला ही लगा दिया।
तो दो इक्वेशन बन गई। एक काम करना, म्यू टू आगे ले आओ, म्यू वन पीछे ले आओ, तो डिनोमिनेटर में माइनस आर टू आ गया। इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर वन में ये टर्म आ रही है म्यू टू बाई वी वन, इक्वेशन नंबर टू में आ रही है माइनस म्यू टू बाई वी वन, सेम टर्म है, उसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ये वाली माइनस म्यू टू बाई वी वन एंड म्यू टू बाई वी वन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, वी वन वाली टर्म ही कैंसिल हो गई। यहां से कॉमन निकाल लेंगे म्यू वन, तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू, म्यू वन नीचे आ गया, म्यू टू बाई म्यू वन, क्योंकि म्यू वन इसे डिवाइड होगा तो म्यू टू बाई म्यू वन, और म्यू वन बाई म्यू वन क्या होगा, वन, वन बाय, और इसको कैसे लिख सकते हैं, टू ऊपर है तो टू नीचे, और वन नीचे है तो वन ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और सबको पता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू क्या होता है, वन बाय, तो बॉक्स में डालो ये फॉर्मूला, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कैलकुलेट करके देगा आपको फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होगा, और दोनों कर्वेचर का रेडियस भी चाहिए होगा। तो तीन फैक्टर्स के ऊपर फोकल लेंथ डिपेंड करती है, म्यू पे, आर वन पे और आर टू पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।